सत श्री अकाल अजीत वैब टीवी देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते अजीत खबरां दे इस बुलेटिन विच सब तो पहला नज़र पाने अज दियां खास खास खबरां ते। पंजाब मंत्रिमंडल का वड्डा फैसला, सैणी ते सुनियारा भाईचारा पछड़ियां श्रेणियां विच शामिल। समाणा विखे विद्यार्थी नाल चार ने की बदफैली, कार्रवाई ना हुंदी वेख पीड़ित परिवार ने लाया जाम। हुशियारपुर विच प्रदूषित पानी पीण नाल पिंड गोंदपुर के 100 तो वध निवासी हैजे की लपेट विच। सर्व उच्च अदालत दियां हदायतां अनुसार पठानकोट विखे लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत, 250 केसां दा कीता गया निपटारा। राजस्थान दे बाड़मेर विच मिग 21 जहाज होया हादसे दा शिकार, पायलट सुरक्षित। ते बंगलादेश विच कपड़े दी फैक्ट्री विच लगी भयानक अग, 21 लोकां दी मौत, 50 तो ज्यादा जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की प्रधानगी हेठ चंडीगढ़ विखे हुई, जिस विच वड्डे फैसले लए गए। इस बैठक विच सैणी ते सुनियारे भाईचारे नूं पछड़ियां श्रेणियां विच शामिल करन दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती गई। गुरु रामदास ते खालसा यूनीवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव विधानसभा विच पेश करन नूं मंजूरी दित्ती गई है। GST एक्ट ते आनंद मैरिज एक्ट विच सोध बिल भी विधानसभा विच लियाउण नूं मंजूरी दित्ती गई। इस तो इलावा लकड़ी दियां चीज़ां नूं वैट मुक्त करन नूं भी मंत्रिमंडल दी बैठक विच मंजूरी दित्ती गई। सैनी बरादरी है और स्वर्णकार बरादरी और सुनार बरादरी, इन्हां दी पुरानी मंग सी कि इन्हां नूं पछड़ियां श्रेणियां दी सूची विच शामिल कीता जावे। एक तां अज दी कैबिनेट जिहड़ी है उस चीज़ नूं प्रवानगी दित्ती, और दूजा जिहड़ा आनंद मैरिज एक्ट दे अधीन जिहड़ी रजिस्ट्रेशन कराने वास्ते जो भी सोध की लोड़ सी उहदे वास्ते भी अज की कैबिनेट दे विच प्रवानगी दित्ती गई है कि जिवें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट दे विच पहलां आनंद मैरिज दे एक्ट दे अंडर जिहड़ी मैरिज रजिस्टर नहीं हो सकती सी, उहदे विच जो भी सोध करन की लोड़ है वह विधानसभा दे विच उह सोध जिहड़ी आ उह कीती जाएगी। एक पिंडां दे विच अनुसूचित जाति वाले परिवारों नूं जिहड़े बेजमीने लोग आ उन्हां नूं 5-5 मल्ले दे प्लाट देने की सरकार की पुरानी स्कीम चलती है, पर उहदे विच जिहड़ी जुमला मुश्तरका मालका जमीन सी उह पिंडां पंचायत उहनूं अलॉट नहीं सी कर सकती। अज जिहड़ी कैबिनेट ने यह फैसला किया कि अगे तो पहलां शामलड़ जमीन करदियां सी, जे पंचायत कोल जुमला मालका मुश्तरका जमीन है तो वह भी जिहड़ी है 5-5 मरले के प्लाट जे पंचायत अपना रेजोल्यूशन पा के उन्हें गरीब लोगों को देना चाहे तो वो दे सकती है। इस तरह एक जिहड़ी है श्री गुरु रामदास चैरिटेबल ट्रस्ट जिहड़े उन्होंने यूनिवर्सिटी का पिछे ऑर्डिनेंस पास किया उन्होंने उन्होंने भी दोबारा इस हाउस के बिल जो पेश किया जाएगा। इस तरह ही खालसा यूनिवर्सिटी का भी बिल जो है वह इस हाउस आएगा, और एक जिहड़े महान जिहड़े कल्चर डिपार्टमेंट वालों यादगार बनी गई उन्हां दी रख रखाव वास्ते जिहड़ा कॉर्पस फंड जिहड़ा वह क्रिएट किया गया 50 करोड़ का, तां जो उन्हां दी मेंटेनेंस दी अगे तों प्रॉब्लम जिहड़ी है उन्हां चीज़ां दी नाम। समाणा उपमंडल दे पिंड बिजलपुर दे एक 12वीं जमात विच पढ़न वाले विद्यार्थी दे नाल उसदे साथियों वालों बदफैली करन दा मामला बीते दिनी सामने आया सी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लए जाण दे बावजूद दोषियों नूं फड़िया नहीं गया, जबकि दोषियों वल्लों पीड़ित परिवार नूं समझौते लई धमकियां दित्तियां जा रहियां ने। इस मामले नूं लैके अज पीड़ित परिवार ते किसान यूनियन डकौंदा दे वर्करां ने पटियाला हिसार रोड ते पिंड टैठल नेड़े आवाजाई ठप कर दित्ती, जिस नाल चंडीगढ़ पटियाला जींद नरवाणा सिरसा जाण वाले यात्री जाम विच फस गए। पीड़ित परिवार के रिश्तेदार दर्शन सिंह ने कहा कि जेकर दोषी जल्दी फड़े ना गए तो असी होर भी सख्त कदम चुकांगे। उधर सदर थाना समाणा के इंचार्ज ने दसिया कि कथित दोषियों नूं फड़न लई पुलिस पार्टियां भेजियां गईयां ने, दोषी जल्दी ही काबू कर ले जाणगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
छोटे जे बच्चे नाल होया दुष्कर्म दे करके आ जिस दे नाल जिस दे विरोध विच इह पुलिस नूं जानकारी दित्ती सी पर पुरश ने जिहड़े उह मुलजम सी हजे तक गिरफ्तार नहीं कीते हैगे एक दो तीन चार दिन हो गए चार तकरीबन चार दिन हो गए पुलिस दे कोल गेड़े मारदे आ पुलिस उल्टा उन्हां दे कारवाई करन दी बजाए इह जिहड़े परिवारक मैंबरां ने उन्हां धमकियां दित्तियां जा रहियां ने असीं ऐ कर दांगे पर जिहड़ा हैगे आ कारवाई कोई नहीं कर रहे जदों तक यह फड़े नहीं जाते उन्ना तक असी जाम रखांगे जेकर इसका हजे कोई एक्शन ना लिता तो इसका जो नुकसान होएगा पंजाब सरकार ते लोकल प्रशासन का होएगा नहीं ये दौरान कोई गल नहीं सामने आई चार बंदे ना इन्हें लिखाए थे बाई ने बेचारा परचा दर्ज हो गया बाकी इनवैसिगेशन जे बंदे होर आएंगे जो बेगुनाह होगा वो मेरी कार्रवाई होगी ये हूँ बच्चे अपने तौर पर कोई कह दे वो बारे मैं कह नहीं सकता जो साढ़े को बयान लिखाया मदई ने वो मुताबिक कार्रवाई हो रही है लाए थे ड्यूटियां पै रही सी टीम साड़ियाँ गई हुई ने अब 5 बजे शाम का टाइम लिया भी शाम तक जो अभी नहीं कोई कार्रवाई करेंगे तो दस्यो टीम साड़ियाँ गई हुई ने बंदे गिरफ्तार कर लेंगे। हुशियारपुर के कस्बा माहिलपुर के पिंड गोंदपुर विच प्रदूषित पानी पीण नाल हैजा फैल गया है। मामले संबंधी लेबर पार्टी पंजाब के प्रधान जय गोपाल तिमान ने सेहत विभाग से दोष लगाते हुए कहा कि हैजा फैलण के बावजूद सेहत विभाग वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने दसिया कि पिंड के 100 तो ज्यादा लोग उल्टियां दस्त ते बुखार तो पीड़ित ने जिन्हों द्वारा सरकारी सहूलतों की घाट कारण प्राइवेट डॉक्टरों तो इलाज करवाया जा रहा है। मामले संबंधी डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आनंदिता मित्रा ने दसिया कि पिंड गोंदपुर विच सेहत विभाग दीआं टीमां भेज दित्तियां गईआं ने जदकि सेहत विभाग वल्लों लाए गए कैंप विच पहुंचे डायरिया दे 52 मरीजां विचों 5 तो ज्यादा डीहाइड्रेशन ते 12 मामूली डीहाइड्रेशन तो पीड़ित पाए गए। उन्होंने दसिया कि पिंड विच क्लोरीन दीआं गोलियां वंडियां जा रहीआं ने ते सेहत विभाग वल्लों ORS दा कोल ते होर दवाईआं मुहैया करवाईआं गईआं ने। बहुत सारे मरीजों को कम्यूनिटी हैल्थ सेंटर माहिलपुर विखे इलाज लई पहुंचाया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी दसिया कि पीण वाले पानी के सैंपल भी ले गए ने ते सेहत विभाग के अधिकारियों नू पूरी तरह चौकस रहण दे हुकम दिते गए ने। मैनू उल्टियां टट्टियां दो ही सिंगियां लगियां सानू बस पानी नाल ही सारा ही होया तां फिर वो कहंदे भई वह लैण गए ग्लूकोश आ के लाउंदे आ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਮੀਲ ਭਰਤੇ ਆ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀਆ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਰੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜਿਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਨਾਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਬਲਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੀਕਜ ਸੀ ਲੀਕਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਿਗਾ ਛੱਪੜ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਅਚਨਚੇਤ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਡਾਇਰੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਯੰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੀਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ DC ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ 184 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ORS ਦਾ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਗੋਂਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 52 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਵੀਅਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਲਪੁਰ CHC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। 12 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਈਲਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ORS ਦੇ ਸੈਸ਼ੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਵੰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ।
जिथे पहला लोगों नू अपने मामलों के निपटारे लिए कई कई साल तक इंतजार करना पैंदा सी ते लगातार अदालतों के चक्कर भी कढ़ने पैंदे सन। उत्थे हुण सर्वउच्च अदालत दीआं हदायतां अनुसार राष्ट्र पदरी लोक अदालतां लगाईआं जा रहीआं ने जिन्हां विच हर वार वख वख मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस विच ओह मामले भी शामिल होणगे जिन्हां दा केस अजे अदालत विच शुरू किया जाणा है। इस दे मद्देनजर अज पठानकोट विच राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई जिस विच क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसां संबंधी 250 मामलों का निपटारा किया गया। नैशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शन से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सारे पंजाब स्टेट विच अज एक लोक अदालत का आयोजन कर रही है। इस लोक अदालत विच असी क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसिस नूं लै रहे हां अते पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह केसिस का निपटारा किया जाए। रेगुलर जिहड़ियां कोर्ट्स लगदियां उहदे विच जज साहब को इन्ना टाइम नहीं हुंदा कि वह पार्टियां नूं बैठ के रजामंदी उन्हां दी करवा सकन। जिहड़ी लोक अदालत हुंदी है उहदे विच असी पार्टियां नूं बिठा के कोशिश करदे हां कि इन्हां दी रजामंदी हो जाए। इस लोक अदालत विच होए फैसले दे बहुत फायदे हन। सब तो पहले कि धिरां दा आपस विच प्रेम प्यार बनिया रहिंदा है, उहनां दा अपना समां और पैसा बचता है और इस तो इलावा कोर्ट का भी समा बहुत बचत करता है। अगली लोक अदालत साड़ी 8 अक्टूबर नू ट्रैफिक पैटी मैटर्स ते म्यूनसिपल मैटर्स दी होएगी। मेरी लोगों यही बेनती है कि वध चढ़ के लोक अदालत विच हिस्सा लैन जिथे भी उन्होंने स्कोप लगता है कि राजीनामा हो सकता है अपनी अदालत जिथे केस चल रहा है उत्थे अर्जी दे के अपना केस लोक अदालत विच लगवान अते उसका निपटारा करान। बिहार के बाहुबली नेता ते सिवान तो साबका आरजेडी संसद मैंबर शहाबुद्दीन नूं 11 साल बाद जेल तो रिहा कर दिता गया है। पटना हाईकोर्ट तो राजीव रोशन कतल मामले विच जमानत मिलन तो बाद शहाबुद्दीन की पागलपुर जेल तो रिहाई हुई। सूबा सरकार के कई मंत्री ते विधायक भी शहाबुद्दीन का स्वागत करने लई पहुंचे हुए सन। जेल तो बाहर आन तो बाद शहाबुद्दीन ने कहा कि लालू यादव ही उसके नेता ने, नीतीश कुमार हालातों के मुख्यमंत्री ने। शहाबुद्दीन ने कहा कि सारे जानते हैं कि उन्होंने फसाया गया सी। भाजपा ने शहाबुद्दीन की रिहाई नूं बिहार विच जंगल राज की वापसी दस्या है। सभी जानते हैं फसाया गया है, तो इसमें हमें कौन समस्या? 11 साल तक नीतीश कुमार ने नहीं, नहीं, कोर्ट से कहे, कोर्ट ने जमान दिया, कोर्ट से रहे, अब किसी व्यक्ति को हम क्यों इसमें घसीटने जाए। सुशील मोदी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, हम तो नहीं लेते, हमको लगता है और पॉलिटिकल लोग भी गंभीरता से कोई नहीं लेता। जेल भेजना, जेल में रखना, इसमें राज से बहुत मतलब नहीं है। इसका मतलब कि लालू जी अपने राज में जेल में गए थे तो खुद जेल में गए थे। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट ने भेजा था, कोर्ट ने रिलीज किया, रिलीज हुआ, नाउ आई एम फ्री मैन। बैकडोर पॉलिटिक्स हमने किया ही नहीं है कभी। राजस्थान के बाड़मेर विच भारतीय एयरफोर्स का मिग 21 टेरनी जहाज हादसाग्रस्त हो गया। मिली जानकारी अनुसार जहाज ने उड़ान भरी ते इस तो बाद इस विच तकनीकी नुक्स पै गया जिस तो बाद जहाज नूं हवा विच ही अग लग गई। जहाज काबू तो बाहर हुंदा देख पायलट पैराशूट राही बाहर निकलन विच कामयाब हो गया। राहत दी गल ए रही कि जहाज आबादी वाले इलाके तो दूर डिगा। हादसे दी जानकारी मिलदे सार ही एयरफोर्स ते पुलिस ने पूरे इलाके नूं घेर लिया। एयरफोर्स ने हादसे दी कोर्ट आफ इनक्वायरी दे आदेश दे दिते ने। बंगलादेश की राजधानी ढाका के उत्तर विच गाजीपुर विच स्थित 4 मंजिली कपड़े वाली फैक्ट्री विच बॉयलर फटन नाल अग लग गई जिसकी लपेट विच आउण नाल 21 लोगों की मौत हो गई ते 50 तो ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों नूं नजदीकी हस्पताल विच दाखिल करवाया गया है। पुलिस ते चश्मदीदा ने जानकारी देंदे हुए दस्या कि हादसे समय इमारत विच लगभग 100 लोग मौजूद सन। जिक्र योग है कि बंगलादेश विच फैक्ट्रियां विच कमजोर अग बुझाउण वाले सिस्टम कारण अजिहियां घटनावां कई वार भयानक रूप धारण कर लैंदियां ने। इत्थे रेडीमेड कपड़ियां दा कारोबार बंगलादेशी अर्थव्यवस्था दा मुख आधार है। इस साल जून विच खत्म होए वित्तीय साल विच देश नूं कपड़ियां दे निर्यात तों $28 दी आमदन हुई है। रियो पैरा ओलंपिक खेडां विच भारत ने इतिहास रच दिता है। उच्ची छलांग मुकाबले विच भारत दे मरियप्पन थांगावेलू ने 1.99 मीटर की छलांग लगांदे हुए सोन तमगा ते वरुण सिंह भाटी ने 1.86 मीटर की छलांग लगांदे हुए कांसी दा तमगा अपने नां कीता। इस जित नाल उन्हां ने अपने देश ते देशवासियां दे माण नूं वधाया है। तमिलनाडु तों 20 सालां थांगावेलू पैरा ओलंपिक दे उच्ची छलांग मुकाबले विच सोन तमगा जितण वाला पहला भारतीय पैरा अथलीट बन गया है, जबकि चांदी का तमगा अमरीका के सैम ग्रेवी नूं मिलिया।
दूजे पासे भारत का संदीप जैवलिन मुकाबले विच कांसी तमगे तो खुंझ गया ते चौथे स्थान ते रहा। इन्हां दोहां खिडारियां दे तमगा जित्तण तो बाद हुण पैरालंपिक खेडां विच भारत दे कुल तमगियां दी गिणती 10 हो गई है, जिन्हां विच 3 सोने दे 3 चांदी ते 4 कांसी दे तमगे शामिल ने। दक्षणी कश्मीर के अनंतनाग विच सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गम तो फायर किए जाण नाल एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि शोपिया जिले विच अथरू गैस का खोल लगन कारण एक व्यक्ति की जान चली गई है। घाटी विच जुलाई विच अतवादी बुरहान वानी के मारे जाण तो बाद भड़की हिंसा विच हुण तक घट्टो घट 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 लोग जख्मी हुए ने। वक्खवादियों वालों हड़ताल की म्याद भी वधा दी गई है। जिक्र योग है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन अपने बयान विच कहा सी कि कश्मीर की स्थिति विच बदला आ रहा है ते जल्दी ही हालात ते काबू पा लिया जाएगा। बलोचिस्तान विच पाकिस्तानी सेना का अत्याचार रुकण का नाम नहीं लै रहा। ताज़ा जानकारी मुताबक पाकिस्तान के राजनपुर विच बलोच आबादी ते पाकिस्तानी सेना ने वड्डा मिलिट्री ऑपरेशन किया है, जिस विच दर्जना लोग जख्मी हुए ने। इन्ना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने सैकड़े लोगों नूं गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन विच एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। वर्णन योग है कि बलोचिस्तान विच तेल ते यूरेनियम दा अण वरत्या भंडार भी है। उसके कुदरती साधना दे दोहन ते कथित दमनात्मक शासन तो नाराज बलोचिस्तानी साल 1948 तो हुण तक 5 वार हथियार नाल विद्रोह कर चुके ने। उस साल पाकिस्तान ने ब्रिटिश शासन वाले इस विशाल सूबे नूं अपने नाल मिला लिया सी। हुण पाकिस्तानी सेना बलोच लोगों वालों उठण वालियां विद्रोह दियां आवाज़ां नूं दबाउण लई समय समय ते फोर्स दी वरतों कर दी है। Pakistani forces have started fresh waves of military operations across Balochistan. In different parts of Deherabugti, Baloch civil populace have been attacked and more than 19 Baloch civilians, including women and children, all belonging to the same family, were abducted. An innocent Baloch man, namely Shambu Bukti, was killed during the operation in Deherabugti. Similarly, many parts of Nasirabad district were also attacked and Baloch civilians were harassed and many of them were abducted. In Turbat area of Balochistan, a political worker's house is under siege since past 4 days, and his family, mostly women and children, including an infant, are under siege and they are starving. Pakistani forces have denied access to them, including their own human rights organizations. They are not allowed to visit them. It is the time that international media raise their voice and help save the Baloch from the inhuman atrocities committed by Pakistan forces on daily basis in Balochistan. वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिडारी ड्वेन ब्रावो हिंदी फिल्म तुम बिन टू का एक गाना फिल्माउण लई मुंबई पहुंचे, जिथे ड्वेन ने कहा कि उन्होंने भारत ते भारतीय सभ्याचार बहुत चंगा लगता है। उन्होंने दस्या कि वह हिंदी फिल्मा देखते हैं ते शाहरुख खान, सलमान खान ते होरना बॉलीवुड अदाकारा नूं भी जानते हैं। I think the management team reached out to my management team to make it happen, and I'm happy for the opportunity and, you know, to debut. This is something I always wanted to do and look forward to branching off, apart from just being a professional cricketer, to try something different. And, you know, India is a place for dreams and fulfilling the dreams, so I'm happy for this opportunity. बॉलीवुड अदाकारा सोहा अली खान अपनी आने वाली फिल्म 31 अक्तूबर के संबंध में निर्देशक हैरी सचदेवा नाल गणपति दे दर्शना लई अंधेरी पहुंची। उन्होंने कहा कि वह जल्दी रिलीज़ होने वाली फिल्म 31 अक्तूबर नूं लै के बहुत बेचैन है। उन्होंने कहा कि वह अपने दोस्तों ते परिवार लई फिल्म की स्क्रीनिंग रखणगे। ये तो बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है गणेश चतुर्थी का, और सब मतलब काफ़ी शहरों में मनाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं और बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में और मुंबई में ये सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे पॉपुलर है, और जिस धूमधाम से यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है शायद और कहीं नहीं मनाया जाता है। तो इसीलिए हमें अच्छा लगा कि यहाँ पर मौका मिला, हमें अंधेरी में पंडाल पर आने का मौका मिला और दुआएँ लेने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हम यही चाहते हैं कि गणेश जी की कृपा हमेशा हमारे साथ रहे, हम सब पे रहे, हमारी फिल्म के साथ जुड़े और हमारे मुंबई शहर और शहरों शहर के लोगों के साथ हमेशा रहे। इस नाल ये जीत खबरों का बुलेटिन खत्म हुंदा है। कुछ होर नवीं खबरों नाल फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, सत श्री अकाल।